दोस्तों, जब हम शेयर बाजार में पहली बार आते हैं तो कुछ सपने लेके आते हैं, कुछ उम्मीदें लेके आते हैं। हमें लगता है कि जो भी सैलरी या बिजनेस हम कर रहे होते हैं उसके अलावा अगर हमारा एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बन जाए तो उससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो। शेयर बाजार हमारी उन सभी उम्मीदों को पूरा करने का एक बहुत ही आसान जरिया दिखाई देता है, क्योंकि जब हम लोगों से बातें करते हैं, हम टीवी चैनल्स पे देखते हैं तो अक्सर देखते हैं कि ये शेयर पहले 20 रुपए का था, 2000 का हो गया। हम बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज को देखते हैं, हमें समझ में आता है कि हाँ, यस, दिस इज पॉसिबल। हम सोचते सुनते इन्वेस्टिंग है बट करते ट्रेडिंग है। सबसे बड़ी गलती हमारी हो जाती है कि हम अपनी ट्रेडिंग पहले करते हैं, इन्वेस्टमेंट बाद में करते हैं। गलत कुछ भी नहीं है, सभी के लिए जिसको जो सूट करे वो सब सही है। बट 20 साल के अपने अनुभव में दोस्तों, मैंने ये समझा है, ये बहुत अच्छे से माना है कि अगर जब तक कोई भी काम पूरी शिद्दत से ना किया जाए, उसको समझ के ना किया जाए, तो वो नुकसान देगा ही देगा। स्टॉक मार्केट में दो पड़ाव रहते हैं, एक पड़ाव रहता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा पड़ाव आता है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर में। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको थोड़ी सी फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉसेस पढ़ने आने चाहिए, बट टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी चीज है जहां पे एक अनपढ़, जिसकी कोई स्पेशलाइज्ड एजुकेशन भी नहीं हो, चाहे वो कॉमर्स से हो या ना हो, चाहे वो साइंस से हो, आर्ट से हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे ना भी पढ़ा लिखा हो, अगर वो चार्ट को देख सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, तो वो स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर सकता है। बट कोई भी सक्सेस बिना प्रैक्टिस के, बिना एफर्ट्स के नहीं होती है। तो प्लीज, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी न्यूबीज हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, या जो भी स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम आए हैं, आ चुके हैं या आने वाले हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गाइस, स्टॉक मार्केट को जुआ ना समझे, ये एक बिजनेस है। जब बिजनेस की तरह इसको समझेंगे, इसके उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करेंगे, भाव ऊपर क्यों जाता है, भाव को ऊपर लेके कौन जाता है, ऐसे कौन सी कंडीशंस होती है जब भाव को गिरना होता है, गिरता ही गिरता है, और गिरने के बाद बाउंस क्यों आता है, कोई कंपनी 100 के भाव से गिरते गिरते 50 पे आई थी, 50 से फिर 500 चली आती, ऐसा क्यों होता है। गाइस, ये सब जो प्राइस एक्शंस हैं, ये प्राइस एक्शंस को देखने का एक सिंपल तरीका है कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स एक जापानीज वर्ड है, जहां पे कैंडलस्टिक आपको ये बताने की कोशिश करती है कि उस समय में प्राइस में क्या एक्शन हो रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, कितना खरीदा जा रहा है, कितना बेचा जा रहा है, क्या हाई बना, क्या लो बना। दोस्तों, अगर हम कैंडलस्टिक्स को समझ लें, उसके ऊपर मास्टरी कर लें, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूं, बिल्कुल एक बच्चे की तरह से। दोस्तों, ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो स्टॉक मार्केट को डिफिकल्ट समझता है, और मेरी कोशिश रहती है, आप मुझे जानते हैं, मैं 20 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेनिंग ट्रेडिंग सब कुछ करता आ रहा हूं, और अब मैं जब से आपसे जुड़ा हूं यूट्यूब के माध्यम से, मेरी जो भाषा रहती है बहुत ही सरल रहती है। मैं हमेशा चाहता हूं कि आपको इस तरह से बताया जाए कि बच्चा भी कर ले, और हमेशा से कहता हूं स्टॉक मार्केट बच्चों का खेल है। अगर आपको इसका राज पता है, वो राज क्या है, राज है भाव को पढ़ना। अगर आप भाव को अच्छे से पढ़ पाते हैं, बहुत ही बड़ी बात है। गाइस, सबसे पहला स्टेप है टेक्निकल एनालिसिस में, आप कैंडल सिक्स को ठीक से जाने, समझे, भाव से बातें करें कि भाव क्या कह रहा है। अगर आप वो पहला पड़ाव पार कर लेते हैं, उसके ऊपर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी बहुत ही अच्छी होने वाली है। आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, और स्टॉक मार्केट को अगर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हाँ, यस, यू कैन डू इट। भाई, मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मैं भी तो स्टॉक मार्केट खाता हूं, स्टॉक मार्केट पीता हूं, स्टॉक मार्केट जीता हूं, स्टॉक मार्केट से पैसा बनाता हूं, उसमें ट्रेनिंग भी करता हूं, उसमें ट्रेडिंग भी करता हूं, इन्वेस्टमेंट भी करता हूं, स्टॉक मार्केट के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। तो अगर मैं 20 साल से स्टॉक मार्केट में टिका हुआ हूं, सोच के देखिए, जिसको लोग डरते हैं, जिससे घबरा जाते हैं, रिकमेंड नहीं करते, एक मजाक चलता है कि अगर मान लीजिए किसी का लड़का ये कह दे भाई मैं स्टॉक मार्केट करता हूं, तो शायद उसकी शादी ना हो, उसके रिश्ते टूट जाएं, ऐसी ऐसी चीजें भी होते हैं। और विश्वास करेंगे, मुझे एक कॉलर का कॉल भी आया कि उसकी पूरी फैमिली ने उसको डिसओन कर दिया, क्योंकि उस इंसान की जो जिद है, जो प्यार है स्टॉक मार्केट को लेके, वो समझना नहीं चाहते। दोस्तों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपनी फैमिलीज को, बच्चों को, अपने दोस्तों को अगर स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी मोटिवेट करना चाहेंगे, तो मैं बता दूं, दिस इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यहां पे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, यहां पे आप पैसा बना सकते हैं, पैसा बढ़ सकता है आपके ऊपर में, बट एक सही स्टडी, पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपका पहला पड़ाव पार कराने वाला हूं कैंडलस्टिक्स को समझाने के लिए। तो आज ऐसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट 6 बुलिश और 6 बेरिश कैंडलस्टिक्स को हम स्टडी करने वाले हैं इस पूरी वीडियो के अंदर में। आराम से समझना, बहुत ध्यान से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर में, कोई डिफिकल्ट टेक्निकल वाली लैंग्वेज नहीं होगी कि आपको लगे कि भाई एक प्रोफेशनल बोल रहा है, आपको लगेगा कि आपकी तरह आपका भाई आपसे बात कर रहा है, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए, समझिए, देखिए प्राइस को कैसे समझा जाता है, और फिर उसके बाद सेकंड पड़ाव पार कीजिए। सेकंड क्या है उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा, बट पहला पड़ाव आज पार करते हैं। चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में और समझते हैं कैंडलस्टिक्स क्या होती है। चलिए, लेट्स कम। हम सबने सुन लिया कैंडलस्टिक्स पे काम कीजिए, कैंडलस्टिक्स पे काम कीजिए, है क्या ये, कहां से आया, क्यों आया, उसके ऊपर बिल्कुल जाने वाला नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कैंडलस्टिक्स में 3 चीजें होती हैं,
एक होती है हमारी बॉडी, एक होती है उसकी विक, और तीसरी चीज होती है उसकी कलर। बॉडी आपको बताती है कि कैंडल कहां खुली, प्राइस कहां खुला और कहां पे क्लोज हुआ। विक्स आपको बताती हैं कि प्राइस ने कितना हाई मारा और कितना लो मारा। कलर बताएगी उसका ट्रेंड, उसकी स्ट्रेंथ। गाइस अपने नोट्स बना लीजिएगा प्लीज, अगर नोट्स बनाने का टाइम नहीं हो, सुनने में अगर आप मशरूफ हो गए तो प्लीज बाद में वीडियो को डाउनलोड करके इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी भी कैंडल के तीन ही पार्ट होंगे, पहला होगा उसकी बॉडी, दूसरा होगा उसका विक। विक किसे कहते हैं? विक होती है शेडोज, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है कैंडल के ऊपर में, ये होती है शेडोज, मतलब ये हाई होता है और ये लो होता है, एंड दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज क्लोजिंग। अब ये रेड कैंडल के लिए अलग हो सकता है, ग्रीन कैंडल के लिए अलग हो सकता है, बट विक का मतलब सेम है। अब पहले समझ लेते हैं अच्छे से कि विक को कैसे समझा जाए। अगर कोई भी कैंडल में एक ऊपर विक है, एक नीचे विक है, तो हाई और जो लो मार्क होते हैं प्राइस ने, जो भी हाई बनाया होता है, जो लो बनाया होता है, उसको हम विक से रिप्रेजेंट करते हैं। बट विक एक्चुअल में है क्या? विक का मतलब है रिजेक्शन। ये समझना बहुत जरूरी है गाइस। रिजेक्शन का मतलब यह है कि बाजार इतना ऊपर गया था और यहां पे उसका सेलिंग प्रेशर आ गया, तो यहां पे आके वो फाइनली क्लोज हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि इस रिजेक्शन से ये क्लोजिंग है, इस रिजेक्शन से ये क्लोजिंग है। अब बुलिश और बेयरिश कैंडल के लिए दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं एक बेयरिश कैंडल की, अगर एक रेड कैंडल की बात करते हैं, तो रेड कैंडल का मतलब है कि उसकी ओपनिंग तो ऊपर में है और उसकी जो क्लोजिंग है वो डाउनवर्ड से नीचे, मतलब भाव ऊपर से गिरते गिरते नीचे आया है, बेयरिश कैंडल का ये मतलब होता है। और अगर बुलिश कैंडल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बुलिश कैंडल के अंदर में हमारी ओपनिंग नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है, मतलब भाव ऊपर चढ़ा है। बहुत सिंपल सी चीज है, भाव ने यहां से चढ़ना स्टार्ट किया और यहां तक भाव चला गया, तो यहां से खुला बाजार यहां तक चला गया। अब कहेंगे विक का क्या मतलब है? मतलब यहां खुला था, उसके नीचे यहां तक बाजार लो हुआ था, उसके बाजार ने यहां तक हाई मारा, हाई मारने के बाद में क्लोजिंग यहां पे आई। समझ में आया आपको? सो बेसिकली इसको समझने का सिंपल तरीका है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक प्राइस खुला, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस खुला, वहां से प्राइस ऊपर गया, किसी ने माल बेचा, फिर प्राइस नीचे आया, उसने एक लो हिट किया, लो हिट कर, फिर कोई बाइंग प्रेशर आ गया, फिर वो ऊपर गया, मान लो फिर उसने डे हाई बना दिया और आगे कहीं क्लोज हुआ। तो जहां क्लोज हुआ, ये जो पोर्शन रहेगा, दिस विल बी द बॉडी ऑफ द कैंडल एंड दीज आर द रिजेक्शंस। भाई पहले नीचे यहां तक आया था, यहां से रिजेक्शन मिल गया, मतलब शायद ये डिमांड जोन है, यहां पे लोग और खरीदना चाहते हैं, खरीद के उस भाव को ऊपर तक लेके चले गए। अभी यहां पे क्या है? यहां पे एक सप्लाई काइंड ऑफ थिंग है। ये बहुत बड़े बड़े कोर्सेज में ये चीज सिखाई जाती है, जो आपको इस छोटी सी वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो सप्लाई मतलब क्या है कि यहां पे रिजेक्शन, भैया इसके ऊपर बाजार नहीं जाएगा, इसके ऊपर भाव को कोई लेके जाना नहीं चाहता है, तो यहां पे माल बेचा जाता है, फिर कहीं जाके भाव सेटल होता है। तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द कैंडल। पर अगर कलर रेड है, अगर हमारी कैंडल का जो कलर है अगर वो रेड है, तो इसका मतलब ये है कि सेलिंग की स्ट्रेंथ है। दिस इज सेलिंग, मतलब जो ट्रेंड है, ट्रेंड हमारा उसमें बियरिश है, नेगेटिव ट्रेंड है। बट वहीं पे अगर हमारी कैंडल का साइज ग्रीन है, इफ इट इज अ ग्रीन कैंडल, देन दैट इज अ बुलिश सेंटिमेंट। तो ट्रेंड मतलब खरीदने वाले ज्यादा बैठे हुए हैं। तो पहला हुआ बॉडी, ठीक है, बॉडी मतलब कहां खुला और कहां पे बंद हुआ। दूसरा हुआ उसके विक, क्या हाई मारा, क्या उसने लो मारा। तीसरा हुआ उसका कलर, कलर का मतलब है अगर रेड कलर है तो बेरिश है, मतलब लोगों का सेंटिमेंट बेचने का, वो बेच रहे हैं माल को, वहां से निकल रहे हैं, और अगर वो ग्रीन है तो इसका मतलब ये कि लोग बुलिश हैं और माल खरीदा जा रहा है। अब चलिए देखते हैं ऐसे कौन से छह बुलिश पैटर्न्स जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। वैसे तो पैटर्न्स कुछ 32-35 टाइप्स के होते हैं, बट मैं अगर 35 टाइप के पैटर्न्स आपको बताने लगा तो आप ट्रेडिंग जिंदगी में कर ही नहीं पाएंगे, वो पैटर्न्स ढूंढने में लगे रहेंगे। बट ये वो छह कॉमन पैटर्न्स हैं जो आपके सामने आते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं, और आप इनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आपकी इनके ऊपर काम करने की जो सक्सेस रेशियो है, दैट इज मोर देन 70%, विच इज वेरी वेरी गुड। तो पहले हम कैंडल्स की टाइप देख लेते हैं, कितने तरह की टाइप हो सकती है, और उसके बाद हम देखेंगे चार्ट के पैटर्न्स कौन कौन से तरीके से होते हैं, कहां आप इन कैंडल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैंडल को सिंपल रखिएगा, आपको किस नाम कुछ भी हो, हैमर हो, डोजी हो, ये हो, वो हो, आपको कैंडल के अंदर में ये देखना है कि स्ट्रेंथ कैसी है, बाइंग की स्ट्रेंथ है या सेलिंग की स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ देखने के लिए बहुत ही सिंपल चीज है, आपको उसका क्या देखना है, विक। Yes, for finding the strength, you actually have to look at the wick. अगर wick देख लेते हैं तो वो आपको actually strength बता देगी। क्यों बता देगी strength बताइए? अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि बॉडी बहुत छोटी सी है ना, बहुत ही छोटी सी बॉडी बनी है, पर wick ऊपर की तरफ बहुत बड़ी wick है, तो इसका क्या मतलब हुआ?
लिखिए कमेंट सेक्शन में, इसका क्लियर मतलब है सेलिंग रिजेक्शन, मतलब यहां पे ये भाव ने हाई तो मारा था, क्लोजिंग आई, मतलब जो विक है, विक इज मोर देन दी बॉडी, तो यहां पे सेलिंग है, ये सेलिंग का प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। वैसे अगर मान लीजिए बॉडी छोटी सी है और अब विक नीचे की तरफ बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया यहां तक लो तो आया था, सेलिंग तो हुई थी, बट लोगों ने खींच के उसको वापस ऊपर लेके चला गया भाव को, मतलब यहां पे बायर बैठे हुए हैं। तो ये जो लॉन्गर विक है, इसका मतलब ये है दिस इज बाइंग प्रेशर। वैसे ही अगर मान लीजिए कोई छोटी सी बॉडी है और छोटी सी विक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि इनडिसीजन, मतलब लोग इसमें समझ नहीं पा रहे कि खरीदे बेचे, बहुत ज्यादा एक्टिविटी इस प्राइस पे नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पे प्राइस ने बहुत ही कम रेंज में ट्रेड किया है। जितना बड़ा साइज कैंडल का होगा उतनी बड़ी रेंज है प्राइस की, अगर छोटी सी बॉडी है इसका मतलब ये कि प्राइस बहुत ही कम रेंज में ट्रेड किया है। तो यहाँ पे अगर ये लाल हो जाएगी, हरी हो जाएगी, तो फिर इसका सेंटीमेंट बदल जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए रेड कैंडल है ना, ऊपर से ऊपर विक भी बहुत बड़ा है, तो भैया पक्की बात है कि हाँ इसमें सेलिंग होनी होनी है। अगर छोटी सी विक नीचे भी है, तो मतलब ये कि बाइंग का प्रेशर कम था, सेलिंग का प्रेशर ज्यादा था। तो ऐसी कुछ कैंडल्स होती है जिनको हम सॉलिड कैंडल्स या नॉर्मल कैंडल्स कह सकते हैं। तो ऐसे में फॉर एग्जांपल एक अगर कैंडल जिसकी कोई भी विक नहीं है, चाहे वो रेड कैंडल हो चाहे वो आपकी ग्रीन कैंडल हो, तो अगर कोई भी विक नहीं है, तो सच काइंड ऑफ कैंडल्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज मॉरिबोज कैंडल्स। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट्स बताती है कि हाँ यहाँ पे बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर बहुत ही जबरदस्त है, इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। बट किसी भी एक कैंडल के ऊपर में आप काम नहीं कर सकते, आपको नेक्स्ट कैंडल के फॉर्म होने का वेट करना होगा कि अगली वाली कैंडल क्या बनने वाली है, क्या पिछली कैंडल के सपोर्ट में बन रही है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ रही है, देन इट मेक्स अ सेंस कि भैया हाँ यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। ऐसी जो छोटी कैंडल्स होती है जिसमें बॉडी बहुत छोटी होती है और विक बड़ी होती है, इनको हम कहते हैं डॉजी कैंडल्स। तो डॉजी कैंडल्स एक्चुअल में ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स भी कही जाती है। अगर अप ट्रेंड में कोई डॉजी मिलती है, तो हो सकता है वहां पे ट्रेंड चेंज होने वाला हो। एक्चुअल में इनडिसीजन कहा जाता है कि भाई ऊपर का ट्रेंड तो स्टार्ट हो गया, बाजार ने एक हायर हाई हायर लो बनाया, बहुत ऊपर तक बाजार चलता रहा, बट यहाँ पे कहीं जाके डॉजी फॉर्मेशन अगर होने लग जाए और सीरीज ऑफ डॉजी अगर फॉर्मेशन होने लग जाए, तो इसका मतलब ये कि लोग इनडिसीजन में आ गए हैं। लगातार तीन या चार डॉजी कैंडल्स बन रही है, मान लीजिए उनकी बॉडी छोटी हो रही है, तो लोग कंफ्यूज हैं कि अब इस हाई को सस्टेन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, और जैसी कोई अगर बड़ी सेलिंग आएगी तो भाव वहां से गिरेगा। तो अक्सर देखा गया है कि व्हेन अ डॉजी इज फॉर्मड ऑन दी अप ट्रेंड, तो वहां से भाव ने गिरना स्टार्ट कर दिया होता है, ये अक्सर देखा गया है। जैसे ही अगर डाउन ट्रेंड में बाजार गिर रहा था बहुत टाइम से, डॉजी कैंडल्स आने लगी, तो हो सकता है सेलर्स कंफ्यूज हो गए हों कि भाई और बेचे नहीं बेचे, और माल छोड़े नहीं छोड़े, तो ये डॉजी कैंडल्स एक्चुअली आपको ट्रेंड के कंफर्मेशन की काफी काफी हेल्प करती है। फिर आप इनको हैमर कह सकते हैं, इनोटेड हैमर कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें आगे जब चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे, तो ये सारी कैंडल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल्स है, ये आपके सबके सामने आने वाली है। चलिए देखते हैं कि चार्ट पैटर्न्स कहां कहां हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही कॉमनली आपने सुना होगा इस वर्ड को, बुलिश एनगल्फिंग। एनगल्फिंग का मतलब क्या है? एनगल्फिंग का सिंपल सा मतलब है जब एक बड़ी मछली छोटी मछली को एनगल्फ कर जाती है, जब खा जाती है, अपने अंदर समा लेती है, उसे हम एनगल्फिंग कहते हैं। अब देखने वाली बात है ये छोटी मछली लाल है या छोटी मछली हरी है। अगर छोटी मछली यानी कि छोटी कैंडल अगर लाल है देखिए, और इस छोटी कैंडल को एक बड़ी कैंडल ने पूरा एनगल्फ कर दिया, अगर आप छोटी कैंडल के हाईलो को मार्क करेंगे और बड़ी कैंडल के हाईलो को मार्क करेंगे, तो उसके अंदर में वो समा गई है, एनगल्फिंग में समा गई है। तो जब एक रेड कैंडल को एक एडजॉइनिंग बड़ी कैंडल एनगल्फ कर लेती है, तो कहा जाता है कि हाँ ये जो सेलिंग का ट्रेंड था शायद ओवर होने वाला है। तो यहाँ पे इट इज पोटेंशियल डायरेक्शन इज अपसाइड। तो देखा जाता है कि अगर वो फिर सीरीज ऑफ कैंडल्स अगर वो फॉलो करती है कि अगर ग्रीन कैंडल्स मिल जाती है, तो हम अप ट्रेंड में उसको देख सकते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल फाइंड एट मेनी मेनी स्टेजेस बुलिश एनगल्फिंग। तो अगर आपको ये मिलता है, तो बाकी स्टडी के साथ में अगर बुलिश एनगल्फिंग आपको मिल जाती है, तो एक पोटेंशियल रिवर्सल आपको मिल सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट है आपके लिए हैमर। हैमर का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, एक हथौड़ी की तरह से एक बॉडी है और नीचे एक विक बहुत बड़ी है। ये हैमर बेसिकली अगर एक डाउन ट्रेंड में हैमर बन जाए, तो मैंने आपको क्या समझाया थोड़ी देर पहले कि बॉडी छोटी है और विक बड़ी है, मतलब ये कि भाव नीचे तो गया था, पर अब यहां पे भाव में खींच के भाव को ऊपर लेके आया गया, दैट मीन्स बाइंग प्रेशर उसमें दिखाई दे रहा है। अगर विक बड़ी है तो बाइंग प्रेशर रिजेक्शन है, लोअर प्राइसेस को रिजेक्ट किया जा रहा है, मतलब वहां पे कोई डिमांड जोन है, कोई बायर बैठा हो, बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हैं, स्मार्ट मनी बैठी, कोई तो बैठा हुआ है ना। तो यहाँ पे जब अगर बेसिकली एक हैमर डाउन ट्रेंड पे अगर आपको दिखाई देता है, तो भी इसकी पोटेंशियल डायरेक्शन क्या हो जाती है? अपवर्ड साइड में। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द बुलिश कैंडलस्टिक्स विच यू कैन ईजिली लोकेट ऑन योर चार्ट्स। चलिए देखते हैं थर्ड कैंडलस्टिक कौन सी है जो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हैमर था वैसे ही इन्वर्टेड हैमर, थोड़े को उल्टा कर दिया, सीधी सी बात है, पर क्या फर्क पड़ रहा है? अगर इन्वर्टेड हैमर नीचे विक है, ऊपर विक है, ठीक है आप कहेंगे रिजेक्शन तो है, बट अगर हैमर
अगर ये हैमर इन्वर्टेड हो, चाहे खड़ा हुआ हैमर हो, अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो यहां पे पूरी पॉसिबिलिटीज है कि वो हैमर आपको बुलिश मूव दे सकता है, बट दैट हैज टू बी सपोर्टेड बाय द नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स. अगर अ हैमर इन्वर्टेड और नॉन इन्वर्टेड, इफ इट इज सपोर्टेड बाय फ्यू नेक्स्ट कैंडल्स, दैट क्लियरली स्टेट्स कि यस इट इज स्टार्ट फॉर यू टर्न. सो यू कैन प्रोबेबली टेक अ स्टॉप लॉस एट द बॉटम दिस हैमर, जो हैमर जहां बना है इस प्राइस को, एक अगर इसको वी मार्क करें तो यहां पे आप एक एसएल लेके एक ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल आपको मिल सकता है, बहुत अच्छी मूव्स आपको मिल सकती हैं. दोस्तों मजा आ रहा है, सिंपल है लैंग्वेज, समझ में तो आ रहा है ना, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है. अब तो कैंडल स्टिक से डरने वाले नहीं हो ना, कोई 30-40-50 कैंडल स्टिक्स को देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये 6 कैंडल स्टिक्स आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाली है. अगर हम सैड होते हैं, कोई आके एकदम से मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग, तो मिलता है यार मजा आ गया ना, कुछ अच्छा होने वाला है, इट इज गुड गुड अबाउट दिस मॉर्निंग. तो ऐसा ही जब बाजार में आपका बाजार गिर रहा होता है, बहुत टाइम से प्राइस नीचे फॉल कर रहा होता है, वहां पे एक छोटी सी डॉजी बन जाती है. डोजी मतलब, डोजी मतलब इनडिसीजन, जहां पे बॉडी छोटी है, उसी ऐसी सच काइंड ऑफ कैंडल व्हिच इज फॉर्मड इन द डाउन ट्रेंड इज कॉल्ड एज द मॉर्निंग स्टार. मतलब जब जागो तभी सवेरा, अंधेरे के बाद ही सवेरा आता है ना, तो ये अंधेरा चल रहा था, बाजार में प्राइस गिर रहा था, वहां पे एक ऐसी रोशनी की किरण आपको दिखाई देती है, आपको लगता है यार भाई अब ये इनडिसीजन में आ गई, अब ये लोग कंफ्यूज हो गए, अब ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए. अगर अ मॉर्निंग स्टार इज फॉर्मड, राइट, अ मॉर्निंग स्टार इज फॉर्मड एट दी डाउन ट्रेंड, तो वहां पे अगर नेक्स्ट कैंडल हमको एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल मिल जाती है, तो यस वी कैन ट्रस्ट दिस कैंडल. यहां पे भी आप इस बॉटम का स्टॉप लॉस लेके एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं, यहां पे भी पोटेंशियल एक्शन हमारी अप कहलाएगी. और नेक्स्ट कौन सी कैंडल है आपके लिए, एनी गेसेस गाइस? यस, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको बड़ा ध्यान से समझिए, पियर्सिंग का क्या मतलब है, मैंने आपके लिए लिख भी दिया है बहुत ही आसान करने के लिए. पियर्सिंग मतलब किसी चीज को आर पार किया जा रहा है, मतलब जब एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी हो, पहले भाव बहुत ही नेगेटिव दिखाई दे रहा हो, बड़ी सी रेड कैंडल हो, और नेक्स्ट जो कैंडल है, देखिए इसको रीड कैसे करेंगे, ये रेड कैंडल है ना, तो ओपनिंग ऊपर हुई होगी और क्लोजिंग नीचे हुई होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या थी, रेड कैंडल की डायरेक्शन हम नीचे की तरफ देखने की कोशिश करते हैं. जब नेक्स्ट जो नेक्स्ट कैंडल रहेगी ग्रीन, बड़ी सी कैंडल इस क्लोजिंग से ऊपर अच्छी खासी, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हाफ, मतलब पिछली कैंडल के हाफ को पियर्स करती हुई ऊपर की तरफ खुले, मतलब नीचे खुला था बाजार और ऊपर की तरफ चला जाए, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर में. तो यहां पे जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग पिछली रेड कैंडल की हाफ से ऊपर होनी चाहिए, तो हमको लगता है कि हाँ भैया इस भाव को पियर्स कर दिया गया, अब यहां नेगेटिविटी को कम कर दिया गया है, तो यहां पे दिस इज अ पोटेंशियल डायरेक्शन दैट प्राइस कैन स्टार्ट मूविंग अप. So let us see what is next for you. Next कौन सी कैंडल है हमारे लिए, देख लेते हैं. Next आती है हमारे लिए 3 white soldiers. आपने सुना होगा सिपाही, सिपाही का क्या मतलब है, सिपाही हमेशा मोटिवेट करते हैं. तो यहां जब बाजार गिर रहा होता है, बाजार गिरने के बाद में जब सीरीज ऑफ 3 बुलिश कैंडल्स, सीरीज ऑफ 3 बुलिश कैंडल मीन्स हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, 3 लगातार कैंडल्स अगर आपको मिल जाती हैं, तो इनको हम कहते हैं 3 white soldiers. और इसका भी पोटेंशियल डायरेक्शन होता है कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है. तो यहां पे आप इस बॉटम के आसपास, बॉटम के नीचे एक अच्छा सा रिस्क रिवार्ड रेशियो लेते हुए एक स्टॉप लॉस लेके आप एक अच्छा खासा ट्रेड यहां पे ले सकते हैं, जो आपको हो सकता है बहुत ही जबरदस्त रिटर्न से यहां पे. दोस्तों जैसे हमने ये 6 बुलिश कैंडल्स को आइडेंटिफाई किया है, वैसे ही 6 बेयरिश पैटर्न्स भी हैं, उनको भी देखने की कोशिश करते हैं, समझिएगा और उसके बाद ही ट्रेड लीजिएगा. दोस्तों जैसे हमने बुलिश इनगल्फिंग सीखी थी, वैसे बेयरिश इनगल्फिंग मतलब एक बुलिश कैंडल को जब एक रेड कैंडल इनगल्फ कर लेती है इन द अप ट्रेंड. ध्यान दीजिएगा, हम ट्रेंड रिवर्सल्स पे काम कर रहे हैं. जो आदमी ट्रेंड रिवर्सल को सीख जाता है, ट्रेंड रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करता है, मतलब वो पैसे बनाना नहीं, पैसे छापना शुरू कर सकता है, बिलीव मी. बट हम क्या करते हैं, हम कहीं भी घुसते हैं, किसी भी जगह घुस जाते हैं, ये गलत तरीका है ना. तो आपको एक प्रोफेशनल बनने के लिए बहुत ही शिद्दत से प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत ही शिद्दत से इसको समय देना होगा, तभी आप इसमें कामयाब हो सकते हैं. बट अगर आप ये आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बिलीव मी आपका आधा काम आज ही खत्म हो जाएगा गाइस. जब एक अप ट्रेंड के अंदर में एक ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से एक बड़ी रेड कैंडल एनगल्फ कर लेती हो, तो दिस इज कॉल्ड एज बियरिश एनगल्फिंग. इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि अब पैटर्न बदल रहा हो, ट्रेंड चेंज हो रहा हो और डायरेक्शन नीचे की तरफ आती है. अगर उसको कोई रेड कैंडल फिर से फॉलो करती है, तो यस वी कैन ट्रस्ट दिस पैटर्न और इस हाई का हम स्टॉप लॉस लेके यहां से एग्जिट कर सकते हैं. अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, तो वहां पे उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस. चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा पैटर्न है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है.
तो सर नेक्स्ट पैटर्न को देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस क्वालिटी कंटेंट के लिए अगर आप मुझे थैंक यू कहना चाहते हैं, आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं, तो प्लीज अभी एक लाइक प्रेस करके आगे बढ़ेगा। दोस्तों से सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहां भी आप हैं, इसके लिंक को शेयर करना ना भूले, क्योंकि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन आसान भाषा में जाना बड़ा जरूरी है। तो गाइस आप भी मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं भी आपको मोटिवेट करता हूं। दिस इज जस्ट गिव एंड टेक, यही है एक दूसरे से प्यार दिखाने का तरीका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैंडल कौन सी है। डार्क क्लाउड कवर बड़ा खतरनाक सा है, इसको आसान कर रहा हूं, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बिल्कुल सिंपल करने की कोशिश करूंगा। बहुत सामने आपके सामने लिखा है, मतलब एक मेरे पास में एक ग्रीन कैंडल है। द हाईएस्ट प्राइस ऑफ द डे क्या है, जो हाईएस्ट ऑफ द वीक रहेगा वो हाईएस्ट प्राइस था। ऑफ कोर्स ये क्लोजिंग हुई होगी, बिल्कुल सही है, हमने इसको ऐसे ही पढ़ना होता है। ओपनिंग, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ओपनिंग यहां हुई, क्लोजिंग यहां हुई, बट हाई उसने यहां मारा, लोवेस्ट लो भी बनाया था उस स्टॉक ने, है ना। तो ये हमने चीजें मार्क कर ली। अब जो नेक्स्ट जो कैंडल है रेड कैंडल, तो इसको कैसे समझेंगे कि मतलब जो पिछले दिन की ऑप्टिमिज्म थी, पिछले दिन की जो पॉजिटिविटी थी, देखिए आप ध्यान से, हम पिछले दिन बड़ी जबरदस्त ग्रीन कैंडल थी, बड़े पॉजिटिव थे, नेक्स्ट जो कैंडल है उसके ऊपर खुलती है, मतलब ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर खुलती है। पर कैसी कैंडल है, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, तो क्लोज कहां पे होती है, क्लोजिंग कहां पे है, क्लोजिंग कम से कम मिड पॉइंट से नीचे में, उसके हाफ से नीचे में क्लोजिंग हो रही है। मतलब ये काले बादल छा गए हैं, ये काले बादल छा गए हमारी ग्रीन कैंडल के ऊपर में। कल हम बहुत पॉजिटिव थे, बट आज भाव तो ऊपर खुला, तो क्लोजिंग कहां हुई, पिछले दिन के कम से कम जो भाव जो क्लोजिंग था उससे भी नीचे में क्लोजिंग हो रही है, कम से मिड पॉइंट से नीचे में। तो दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ डार्क क्लाउड कवर। गाइस ये बड़े फैंसी नेम्स हैं, जिसने भी कैंडल स्टिक्स बनाई उन्होंने अपने नाम रखे हैं, बट ठीक है, इनका सबका मतलब है कि भैया सेंटिमेंट कैसा है। कल भैया हम पॉजिटिव थे, आज खतरनाक तरीके से नेगेटिव हो गया, तो दिस इज द कंफर्मेशन। और अगली कैंडल जो होती है फिर उसके लो से नीचे ही खुलती है, तो इसका मतलब ये है कि बाजार में डार्क क्लाउड हो चुके हैं, यहां पे एक बेयरिश सेंटिमेंट बन चुका है गाइस। सो लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट। इवनिंग स्टार, यस, जैसे हमने मॉर्निंग स्टार की बात की वैसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार में क्या मिल रहा था, डाउन ट्रेंड के बॉटम में, वैसे ही जब हम अप ट्रेंड के ऊपर में एंड के आसपास में एक डॉजी काइंड ऑफ कैंडल आपको दिखाई दे, मतलब ये कि भैया अब जो बुलिश लोग थे धड़ 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 माल ऊपर लेके जा रहे थे, अब ये कंफ्यूज होना शुरू हो गए, वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाए, एक कंफर्मेशन भी आपको आ जाए, तो कंफर्मेशन हो गई तो इसका मतलब भैया ये इवनिंग स्टार था, अब यहां से निकल जाना चाहिए, टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया, एक स्टॉप लॉस लो, पोजीशन से निकलो, या शॉर्ट कर सकते हो फ्यूचर ऑप्शंस के स्टॉक्स को। यहां भी अच्छी खासी पोटेंशियल डायरेक्शन, डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो सकती है, आप बिल्कुल ट्रेंड के शुरुआत में एक प्राइस को कैच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा पैटर्न आपके लिए छुपा के रखा है मैंने आपके लिए। गाइज आई होप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा हुआ। यस, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन, अब आप कहेंगे यार ये कैसा नाम है, लटकता हुआ आदमी, ये एक किस्म का हैमर है, दिस इज अ काइंड ऑफ हैमर, बट ये अप ट्रेंड में मिलता है आपको, डाउन ट्रेंड में हैमर मिलता है तो पोटेंशियल डायरेक्शन कैसी थी, अपवर्ड, वैसे ही अप ट्रेंड में अगर हैमर मिलता है हमको एंड फॉलोड बाय अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सॉलिड रेड कैंडल, तो हम वी कैन यस एक्चुअली समझ सकते हैं भैया अब आदमी लटक गया, अब हमारा ट्रेड सूली पे लटकने वाला है, इससे निकल जाओ वरना लॉसेस की गारंटी। तो यहाँ पे पोटेंशियल डायरेक्शन हमारी फिर से डायरेक्शन डाउनवर्ड्स हो जाती है, वी कैन एक्चुअली एग्जिट की जो हाई था इसके स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हैं और हम इस एग्जिस्टिंग ट्रेड से निकल सकते हैं या फ्यूचर ऑप्शंस का शेयर तो वहाँ पे शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है हमारे पास में जो आपको बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही सिंपल रखने वाला है। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार इज नथिंग, हैंगिंग मैन था हमारा बिल्कुल खड़ा हुआ हैमर और जो हमारा शूटिंग स्टार है दैट इज द इन्वर्टेड हैमर, पोटेंशियल डायरेक्शन इसकी भी डाउनसाइड रहेगी पर ये भी अप ट्रेंड में मिलना चाहिए आपको और अगर कंफर्मेशन मिल जाती है तो ट्रस्ट दिस हैमर द उल्टा हैमर और इसको आप जैसे हैंगिंग मैन था और ये अभी उल्टा शूटिंग स्टार हमने इसको बोल दिया तो यहाँ पे अगर ये मिल जाता है डॉजी काइंड ऑफ दिस अगेन काइंड ऑफ डॉजी कैंडल व्हिच इज फॉर्म्ड इन द अप ट्रेंड एंड कंफर्मेशन मिल जाए उसके बाद ट्रेड करो तो बहुत ही मजा है। यहाँ भी स्टॉप लॉस आप इसका हाई का ले सकते हो और पोजीशन से एग्जिट या नई पोजीशंस बना सकते हो एफएनओ में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट गाइस आई होप आपको बहुत बहुत मजा आ रहा होगा, मेरा भी बहुत लंबा करने का वीडियो था, मैं सोचा था कि इसमें और बहुत सारी चीजें बताओ बट मैंने सोचा यार नहीं, कम से कम ना 6 bullish और 6 bearish पैटर्न्स बहुत है, लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना, पसंद आएगा। अगर आप कहते हैं कि भैया नहीं और सीखना है तो कमेंट कीजिएगा, फिर और भी सारे पैटर्न्स लेके आपके लिए आने वाला हूं। अब जैसे हमने 3 white soldiers थे वैसे ही अब हमारी आई 3 black crows, अब यहां पे हमने इनका नाम रख दिया ब्लैक क्रोस, काला कौवा, ठीक है, ये सब बड़े फैंसी नेम है, जिसने भी रखे उसके उसने रखे थैंक यू वेरी मच, बट एक अप ट्रेंड के बाद में अगर सीरीज ऑफ 3 lower high lower bottom कैंडल्स अगर बनती हैं तो दैट मींस
कि यहाँ पे एक पोटेंशियल डायरेक्शन शुरुआत हो चुकी है नेगेटिविटी की, भैया बाजार से निकल जाओ, वरना अगर आप यहाँ ऑप्टिमिस्टिक होने लगे कि नहीं नहीं मेरा भाव आएगा मेरा भाव आएगा, तो यहाँ पे अपनी बहुत अच्छी सी पिटाई हो सकती है, बड़ा अच्छा लॉस हमें हो सकता है गाइस। तो ट्रस्ट दीज कैंडल्स, क्योंकि कैंडल्स क्या है, कैंडल्स इज नथिंग जस्ट द प्राइस एक्शन, खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में जो टग ऑफ वॉर चल रही है उसका डिपिक्टेशन है, उसकी एक पिक्चराइजेशन है जो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करके कैंडलस्टिक्स के नाम पे दी गई है। बट ये एक्चुअली आपको ये बताती है कि बाजार में हो क्या रहा है। तो दोस्तों मजा आया, कैसा रहा कैंडल स्टिक्स, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब आप कैंडल स्टिक्स से डरने वाले नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है, और अगर आप इससे प्यार करने लगे हैं, अगर आपको समझ में आ गया, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना प्यार मुझे दीजिएगा, अपनी कमेंट्स दीजिएगा, अपने फीडबैक दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको और क्या चाहिए, क्या सीखना चाहते हैं आप, जो भी सीखना चाहते हैं, कोई डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो, सिंपल से सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई भी कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट की अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो तैयार करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो के साथ में, आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू।